कभी कभी जल्दबाजी में हमें एकदम झटपट घर में भूख लग जाती है और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता कि क्या झटपट बना के तैयार करें। तो चलिए आपके लिए आज एक बहुत ही बढ़िया झटपट रेसिपी लेके आ गए हैं, जो मिनटों में आप घर पे शाम की सुबह दोपहर की भूख में आप खा सकते हैं और झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए लगभग दोस्तों हमने एक प्याज ले लिया है और उसको ऐसे आपको पतला पतला काट लेना है। प्याज आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं अगर इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो। एक ही प्याज हमने लिया है मीडियम साइज़ का, क्योंकि अभी हम इसे कम क्वांटिटी में तैयार कर रहे हैं। प्याज जितना पतला पतला इसे चॉप करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अब सारे प्याजों को आपको एक एक करके अलग कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। अब ले लेते हैं दोस्तों एक पैन और इस पर 4-5 लाल मिर्ची ड्राई रोस्ट करते हैं। आप चाहें तो ये वाला स्टेप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये ड्राई मिर्चीज ये बढ़िया रोस्ट हुई बहुत बढ़िया इस रेसिपी में लगती हैं। खासकर इसका हम क्या करेंगे, जैसी थोड़ी सी रोस्ट हो जाएंगी तो एक प्लेट में निकाल के हाथ से ही मसल लेंगे और इसके चिली फ्लेक्स बना लेंगे। तो हल्की रोस्ट हो चुकी है तो अब हम इस पैन में से सारी सामग्री एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में दोस्तों हम थोड़े से ऑयल डाल के ये जो हमने अनियंस को चॉप किया है इनको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, यानी कि हल्का सा रोस्ट। तो चलिए थोड़ा सा ऑयल डाला और ये अनियन जो भी हमने पतला पतला चॉप करे थे डाल दिए। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी झटपट एकदम बन के तैयार हो जाती है, जल्दबाजी में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं इस रेसिपी में और उतनी ही ज़्यादा यम्मी भी है। लगभग 1 से 2 मिनट में अच्छे से सॉटे 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन इसी के बीच में हम सॉटे होते होते इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये भी स्वाद अनुसार है और ऑप्शनल है, आपको लगती है अगर शिमला मिर्च अच्छी तो आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ऑनियंस के साथ साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च को भी सॉटे कर ही लेते हैं, मुझे बेहद ज़्यादा पसंद आती है इस रेसिपी में। अब दोस्तों जितने ये वाला सारी सामग्री सॉटे हो रही है, हम चलते हैं दूसरी तरफ और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। वो चीज़ें क्या हैं, चलिए आइए वहाँ जाते हैं। हमने लिया है दोस्तों एक आलू उबला हुआ, जिसको हम अभी कद्दूकश कर लेने वाले हैं। इस आलू को आप अच्छे से पतला पतला कद्दूकश कर लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना मुहिम कितना बढ़िया आलू कद्दूकश हो जाता है। और ये जो अब आलू हमने कद्दूकश किया है इसमें भी हम 2-3 चीज़ें अभी बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी रेसिपी 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और झटपट भूख के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब इस आलू में दोस्तों हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालने वाले हैं। स्पाइसेस के नाम पर सबसे पहले तो हमने एक चिल्ली फ्लेक्स तैयार करी थी, जो हमने मिर्चियाँ भुनी थी वीडियो के शुरुआत में। उस मिर्ची को ऐसे ही हाथ से मसल लीजिए। इसके बहुत ही बढ़िया चिली फ्लेक्स मिल जाते हैं हमें और फिर आप अपने स्वाद अनुसार जितना भी आपको तीखापन पसंद हो उतना ही इस मिश्रण में ऐड कर लीजिए। आलू जो हमने अभी ग्रेट करके रखा है ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करने वाले हैं, जो कि सबसे मेन है नमक। तो अभी तक हमने डाला ही नहीं था तो हमने नमक डाल लिया। वहीं दूसरी तरफ हमारा काम चालू है, ये भून रहे हैं प्याज और शिमला मिर्च। तो यहाँ मसालों में हमने थोड़ा सा अब इसमें डाल रहा है गर्म मसाला, तो सिर्फ थोड़ा गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च की चिली फ्लेक्स, दैट्स इट। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप 1-2 स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च, किचन किंग ऐड कर सकते हैं इसमें। ये आलू को अच्छे से मिक्स करा और जो प्याज और हमारी शिमला मिर्च थी वो भी अब भुन चुकी है, थोड़ी सॉटे हो चुकी है। तो ये सारा मिश्रण हम एक साथ अब मिक्स कर लेते हैं। इसको आपको मिक्स ही करना है, पकाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आलू पहले से ही उबला हुआ था और प्याज और शिमला मिर्च थोड़े थोड़े सॉटे अच्छे से हो चुके हैं। तो आपको इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, फटाफट से इसको अब गैस को बंद कर दीजिए और इसको निकाल लीजिए एक प्लेट के अंदर। बस मेन काम था हमारा सारा का सारा ये जो मिक्सर है वो बाइंड हो जाए, दैट्स इट। इसीलिए हमने इसे थोड़ा गैस पे डाला था। अब दोस्तों हाईलाइट मेन मुद्दे की बात इस वीडियो की, जो हम एक रेसिपी को झटपट बना के तैयार कर रहे हैं वो हम करेंगे कैसे। इसको आप ठंडा होने दीजिए, हल्का सा स्प्रेड होने दीजिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। अब वही हम करेंगे कैसे, तो दोस्तों क्या होता है, हमारे को इस रेसिपी को बनाने के लिए बस 2 रोटियों का इस्तेमाल करना है और उसकी स्टफिंग इससे की जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बढ़िया चीज़ तैयार की जाएगी। ये देखिए दोस्तों घर पे रोटी बच गई थी, झटपट भूख लगने के कारण हमने क्या करा, ये मिश्रण तैयार करा और इस रोटियों पे डाल दी थोड़ी सी टमाटो केचप टॉपिंग के लिए और उसको अच्छे से अब स्प्रेड कर देंगे एक स्पून की मदद से। और दोस्तों अभी जो हमने सामग्री बना के तैयार करी थी आलू की, जिसमें प्याज हैं शिमला मिर्च हैं, उस सामग्री को इसमें हाफ हाफ डाल देंगे, ऐड कर देंगे आधे आधी क्वांटिटी में। चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं। अब आधे आधी क्वांटिटी में ऐड इसलिए करा है क्योंकि इसको फिर ऊपर से कवर कर देंगे, तो मतलब कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर और हो जाएगी रोटी की। तो ये दोनों की दोनों ब्रेड्स पर हमें अच्छे से, दोनों की दोनों रोटी पर हमें अच्छे से लगा देना है।
तो हमने लगा के तैयार कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा और स्वादिष्ट बनाने के लिए दोस्तों मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी चीज। आपके पास घर में कोई भी चीज़ हो या फिर अवेलेबल नहीं भी हो तो भी ये वीडियो पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया आपको रेसिपी भी बढ़िया बता देगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इस पर चीज़ स्प्रेड कर ली। चलिए दोस्तों जब तक ये चीज़ स्प्रेड होती है आप हमारे पेज डिलीशियस फूड को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बेहद ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपीज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं, हमेशा वर्क करते रहते हैं कि कुछ ऐसी नई यूनिक चीज़ आप तक पहुँचाएं जो आप झटपट बना सकें, ईजिली बना सकें, टेस्टफुली बना सकें, आपको यम्मी लगे। और ये उन चीज़ों में से ही एक चीज़ है, बहुत यम्मी बन के तैयार होती है चीज़। पूरा का पूरा ग्रेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से रोटी को फोल्ड कर देंगे। और आपको याद होगा शुरू में हमने एक पैन लिया था, उसी पैन में आगे इसको इसकी सारे प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो चलिए इसको फोल्ड कर दिया, अच्छे से प्रेस किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने पैन लिया है जिसमें हमने प्याज और शिमला मिर्च भुना था, आलू मिक्स करा था, उसी पैन में वापस थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। आप चाहें तो बटर ले सकते हैं, देसी घी, ऑयल, जो आपको पसंद हो। मैं हल्का सा इसमें देसी घी प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं इसमें देसी घी लगा रहा हूँ। चलिए समय आ चुका है जो रोटी हमने तैयार करी थी अब उसको इसमें रखते हैं और अच्छे से पकाते हैं, क्रिस्पी करते हैं आउटर पार्ट, ताकि ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हो जाए। थोड़ी देर में आप जितना इसको पकाना चाहते हो उसी हिसाब से इसको साइड पर रख लें। ये 1-1.5 मिनट में अच्छा पक जाता है एक साइड से। और अगर आपको ज़्यादा करारा करना है, जैसे कि मुझे ज़्यादा करारा करने की आदत है इसलिए मैं अच्छा सा घी भी लगाता हूँ, बटर भी लगाता हूँ और फिर उसे पकने देता हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा 1 मिनट फालतू भी रख सकते हैं। मुझे लगता है मैंने 1 मिनट फालतू रख लिया है, बढ़िया से करारी हो गई है। तो अब इसका टाइम और इसकी पोजीशन को शिफ्ट करता हूँ, बढ़िया करारी मिल जाएगी मुझे। ये देखिए जी, वाह, बहुत ही अच्छी से करारी हो गई है। तो चलिए दोस्तों इसको भी इस साइड से सिकने देते हैं, गैस गर्म है, ऊपर से हमने बटर लगा दिया है। फटाफट से फिर उसको पकने के बाद वापस से चेंज कर लेंगे और उसके बाद प्लेट में डाल के गार्निश कर लेंगे। दोस्तों कितनी बढ़िया अच्छी रेसिपी बनके तैयार हुई है, दोनों साइडों से अच्छे से पक चुकी है और जो इसमें चीज़ मेल्ट होने के बाद खाने का मज़ा आता है बहुत ही बढ़िया। थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी इटालियन सीजनिंग, आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। फटाफट से इसे प्लेट में निकालता हूँ, इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझसे ये भी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि आप इस वीडियो को शेयर ना करें, क्योंकि बेहद मेहनत करके बनाया है और आपका एक शेयर और आपका हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। है ना दोस्तों, एकदम झटपट एकदम इंस्टेंट नाश्ता मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने बना के इसे तैयार करवा लिया था। तो चलिए आप भी बना लीजिए इजीली, केचप के साथ खाएंगे, बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद आता है। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।